प्रदेश के संवेदनशील जिलों में शामिल खंडवा में सोशल मीडिया पर एक गुंडे ने पालीवाल नाम लेकर धमकी दी है। हिंदुत्व आधारित छवि वाले महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल के समर्थकों ने इसकी शिकायत मोगट पुलिस से की है। तीन लोगों ने ये वीडियो बनाया है, इनमें से एक हत्या के प्रयास का आरोपी भी है। खंडवा के मोगट थाना पुलिस ने पलावा के संकेत जोशी की शिकायत पर इसू उर्फ इसरार और मोनू मिर्जा निवासी गुलशन नगर और एक अज्ञात के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में शिकायतकर्ता संकेत ने बताया कि वह इंस्टाग्राम आईडी देख रहे थे। मोनू मिर्जा नाम की इंस्टाग्राम आईडी से हिंसा भड़काने वाला वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो में मोनू मिर्जा इसू और एक अन्य द्वारा अशोक पालीवाल के नाम से चेतावनी देते हुए मुस्लिम समाज को हिंसा के लिए हथियार उठाने का आह्वान किया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 9 तारीख को सुबह मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी चला रहा था, तो इंस्टाग्राम आईडी चलाते चलाते के स्टेटस पे मेरे को मोनू मिर्जा करके एक मुस्लिम युवक है, उसके इंस्टाग्राम आईडी से एक पोस्ट की हुई थी जिसमें उसने कुछ उर्दू के में ऐसा कुछ करके एक वीडियो था, उसमें बोले पालीवाल तेरे जुल्मों का अंत होगा और जल्द ही मुस्लिम समाज को ऐसा आह्वान कर रहा था वो कि तलवार से अब हम लोग तुम्हारे जुल्मों को नष्ट करेंगे। तो अशोक जी पालीवाल समाज को एक दिशा देने वाले और एक सामाजिक रूप से वर्षों से संगठन और हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, तो और वो आज खंडवा शहर में एक प्रतिष्ठित हिंदुत्व के नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब मामला संदिग्ध लगा तो थाना मोगट में आके कल मैंने आवेदन के रूप में टीआई साहब को एक आवेदन दिया, जिस पर टीआई साहब ने मेरे को आश्वस्त करा और उन्हें ये बोला है कि कार्रवाई करेंगे। और रात को मेरे को सूचना भी मिली कि 188 में अभी उनके ऊपर कार्रवाई पंजीकृत हो गई है। मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ, इस प्रकार के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसे मंसूबों को नाकाम किया जाए। ऐसे विगत कुछ दिनों से बार बार कोई इंस्टाग्राम आईडी से, कोई फेसबुक आईडी से, कोई कमेंट के माध्यम से हमें हिंदूवादी नेताओं को टारगेट करके धमकियां दे रहा है। इस प्रकार के कृत्यों को बंद होना चाहिए और शासन प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, इस मांग के लिए हम आए थे। कल संकेत जोशी निवासी पड़ावा ने एक तीन युवाओं के विरुद्ध एक अपराध पंजीबद्ध कराया है। आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, आरोपी की तलाश की जा रही है। धारा 188 भादवी के अंतर्गत अब वो विवेचना का विषय है। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे की थी उन्होंने।